हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. दिस इज शिवम गोयल एंड आई एम हेयर इन जर्मनी. सो अभी मैं हूँ यहाँ पे ऑक्सफर्ड में. जैसा कि आपने मेरी पहली वीडियोस में देखा था, मैं था रेगिन्सबर्ग में. तो लेट्स गेट स्टार्टेड, बट बिफोर दैट एक इंट्रोडक्शन तो बनता है, तो बैठ के बात करते हैं आराम से. तो एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ थोड़ी इन्फॉर्मेशन. तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले मेरी वीडियोज़ में आपने देखा होगा कि मैं रेगिन्सबर्ग में था, लेकिन अभी मैं शिफ्ट हो गया हूँ ऑक्सफर्ड एज अ टेम्पररी बेसिस, बिकॉज मेरी जॉब यहाँ पे है. तो अभी मैं यहाँ पे रह रहा हूँ. तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑक्सफोर्ड कैसा दिखता है, यहाँ पे कौन कौन सी फेमस बिल्डिंग्स हैं और बाकी की चीज़ें. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. अभी मैं जा रहा हूँ बाहर एंड देन आपको दिखाता हूँ कि ऑक्सफोर्ड में क्या क्या फेमस है, यहाँ का राट हाउस एंड ऑल दोज थिंग्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड फर्स्ट. एंड आई एम लिविंग इन दिस बिल्डिंग, एज यू कैन सी दिस लाइट ग्रीन बिल्डिंग. और जैसे ही मैं ट्राम स्टेशन के पास में पहुंचता हूँ, वहां से स्टार्ट होती है मास्क लाइफ. तो वहां से मुझे मास्क लगाना पड़ेगा. ये जो सामने बिल्डिंग है वो बैंक की बिल्डिंग है बेसिकली, और ये मोस्ट पॉपुलर बैंक्स है जर्मनी में. मोस्टली जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो इसी बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं, क्योंकि इसके जो मंथली चार्जेस वगैरह हैं वो एकदम निल ज़ीरो हैं. तो ये काफ़ी अच्छा है. और अभी हम लोग यहाँ से लेंगे ट्राम जो कि हमें लेके जाएगी हमारी डेस्टिनेशन की तरफ. जैसे कि आप लोग देख रहे हो बोर्ड में टाइम पता चलता है कि कौन सी ट्राम कब आ रही है, कौन सी बस कब आ रही है. तो अभी हम लोग जस्ट वेट करेंगे. सो एज यू कैन सी हियर ट्राम इज कमिंग, तो मुझे यही वाली ट्रेन पकड़नी है. ये है सेंट्रल स्टेशन, जिसे यहाँ पे बोलते हैं हॉप वन ऑफ, बेसिकली मेन स्टेशन. तो अगर आपको यहाँ से कहीं भी जाना है, ऑक्सबर्ग से कहीं भी जाना है, तो यहाँ से आप ट्रेन ले सकते हो. लाइक अगर मेरी सिटी जाना है रेगिन्सबर्ग, तो आप वहाँ के लिए भी ट्रेन ले सकते हो. एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. एंड ये स्ट्रीट है मेन स्ट्रीट, लाइक हॉप वन ऑफ स्ट्रीट. सो यहाँ पे आपको सारी शॉप्स मिलेंगी, सारी दुकानें मिलेंगी. अगर आपको कुछ भी लेना है, इंडियन स्टोर भी यहाँ पे मिलेंगे आपको. एंड एज यू कैन सी मेरे पीछे यूरो शॉप. यहाँ पे 1 यूरो में बहुत सारा सामान मिल सकता है. लाइक अगर आपको कोई भी हाउस होल्ड का सामान चाहिए या फिर किचन वगैरह का सामान चाहिए, तो आप यहाँ से ले सकते हो. ये वाली शॉप्स एक सिटी में 2 या 3 होती हैं, तो आप यहाँ से कोई भी सामान ले सकते हो. सो नाउ मैं हूँ सिटी सेंटर में. ये एकदम सेंटर पार्ट है सिटी का, जहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी. लाइक आपको अगर शॉपिंग करनी है, क्लोथ शॉपिंग करनी है, या फिर कोई भी सामान लेना है, रेस्टोरेंट्स वगैरह भी यहाँ पे काफ़ी मिल जाएंगे एंड ऑल. यहाँ पे ट्राम स्टेशन भी है, क्यूनिक प्लाट्स. क्यूनिक प्लाट्स जर्मन नेम है, जिसका एक्चुअल इंग्लिश मीनिंग है किंग्स प्लेस. आई हेल्प यू इन द जर्मन ट्रांसलेशन ऑल्सो. मुझे लगता है मेरी जर्मन थोड़ी तो इम्प्रूव हुई है पहले से. और मुझे यहाँ पे मास्क लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये मैंडेटरी रूल है यहाँ पे, क्योंकि लॉकडाउन है 10th of January तक. तो हर किसी को मास्क लगा के ही बाहर निकलने की परमिशन. सो ये है सिटी सेंटर.
पीछे टीके मैक्स, सस्ते कपड़ों की दुकान। अगर आप नए हो जर्मनी में तो आप यहाँ से क्लोथ्स ले सकते हो, कपड़े ले सकते हो, जो कि काफ़ी सस्ते होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर स्टोर्स। और इसके आगे आई थिंक जैक एंड जोन्स भी है, कहाँ गया दिखाता हूँ मैं आपको, वेट। और मेरे पीछे जैक एंड जोन्स भी है, यहाँ पे थोड़े महंगे मिलते हैं लेकिन आप अफोर्ड कर सकते हो अगर आप पार्ट टाइम जॉब वगैरह करते हो, एज यू कैन सी द जैक एंड। और ये एक शॉप है न्यूयॉर्क, यहाँ पे सबसे चीप कपड़े मिलते हैं, चीप इन द सेंस कि वो वाला चीप नहीं बट लिटरली एक्सपेंसिव नहीं होते हैं, और आपको काफ़ी सही चॉइस मिल जाती है कम पैसों में। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं मैं रिकमेंड करूँगा न्यूयॉर्क ज़रूर ट्राई करें, यहाँ आपको अफोर्डेबल कपड़े मिल जाएंगे। सो ये है राट हाउस, हर एक सिटी में, जर्मनी के हर एक सिटी में एक राट हाउस होता है जो कि मेन ऑफिस होता है। तो ये है क्लॉक टावर, काइंड ऑफ आई डोंट नो द एग्जैक्ट मीनिंग बट या, सो दिस इज़ द मेन स्क्वायर, दिस इज़ द मेन, या जो भी बोलो इसे, जो दिस इज़ द मेन सेंटर ऑफ द सिटी। एज यू कैन सी द क्रिसमस ट्री इज़ हियर, अभी हॉलीडे का टाइम है तो ये क्रिसमस ट्री आई थिंक यहीं रहेगा, बट मे बी शायद 6th of January के बाद ये लोग इसे हटा दें। एंड दीज आर द ऑल दो थिंग्स, दिस इज द बिल्डिंग, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। अरे वाह, लड़कियों के लिए ये भी लगाया हुआ है, नाइस। ये स्कूटर्स देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स होते हैं बेसिकली, और जैसे कि हम लोग इंडिया में करते हैं रेफर एंड अर्न, इसमें भी आप राइड ले सकते हो अपने फ्रेंड को रेफर करके, आपको कुछ राइड्स मिलेंगी जिनका आप यूज़ करके ऐसे यूज़ कर सकते हो, मैंने भी ये ऐसे यूज़ कर। एंड अगर आप नए हो जर्मनी में तो यहाँ पे सुपर मार्केट्स की काफ़ी ज़्यादा वेराइटी है, बट आई थिंक प्राइजेस सेम ही होते हैं। रिवी यहाँ पे एक ऑप्शन है और बाकी भी ऑप्शन है। तो आपके प्यार में गिर गई भाई। These are my new friends here. So yeah. So Revi is also an option here, and Netto and बाकी के सुपर मार्केट्स भी यहाँ पे होते हैं, मैं आपको आगे दिखाऊंगा। And as you can see, मेरे पीछे बहुत सारी साइकिल्स खड़ी हैं, लेकिन अभी विंटर्स का टाइम है तो साइकिल्स यूजली लोग नहीं यूज़ करते, ट्राम वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन एज यू नो कि यूरोप बहुत ज़्यादा फेमस है साइकिल्स के लिए, तो अगर आपको साइकिल रेंट पे लेनी हो या फिर अगर आपको खरीदनी भी हो तो बहुत ज़्यादा चीप होती हैं, मतलब आपको 40-50 euros में साइकिल मिल जाती है। मेरे भी रेगिन्सबर्ग में साइकिल है, बट यहाँ पे अभी मुझे 2 ही महीने हुए हैं ऑक्सफोर्ड में, तो मैंने अभी साइकिल ली भी नहीं, और ये विंटर्स का टाइम है। तो या सो मेरे पीछे एक लोटो शॉप है, तो अगर आपको लगता है कि लॉटरीज वगैरह सिर्फ इंडिया में ही टॉकिंग पॉइंट्स हैं, तो ऐसा नहीं है, जर्मनी में भी काफ़ी लोग लॉटरी लेते हैं। इवन जब मैं जर्मनी आया था तब मैंने भी सोचा था कि मैं लॉटरी लूँगा, क्या पता मेरा भी मिलियन यूरो जैकपॉट लग जाए, लेकिन अभी तक नहीं ली है मैंने। बट लॉटरीज आर रियली फेमस इन जर्मनी। स्टेशन जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, दिस इज़ अ क्यूनिक प्लाट्स, यहाँ से आपको कहीं भी जाना हो अगर आपको, तो यहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी सिटी में, अगर आपको कहीं भी जाना हो तो यहाँ से आपको ट्रेन मिल जाएगी, काफ़ी अच्छा है। अच्छा क्या मतलब, ट्रेन मिल जाती है और क्या चाहिए। सो दिस इज़ द व्यू, मैं बार बार सेंटर में क्यों देखने लग जाता हूँ। यस सो या सो दिस इज़ द स्टेशन, सो यू कैन टेक द ट्रेन, मुझे भी घर जाना है, मैं भी यहीं से ट्रेन लूँगा एंड फिर आपको दिखाता हूँ आगे। ट्राम्स और बसेस में ट्रैवल करने के लिए आपको टिकट की ज़रूरत है, तो इंडिया की तरह आपको कंडक्टर वगैरह यहाँ पे नहीं होते हैं या फिर कोई काउंटर्स वगैरह ज़्यादा नहीं होते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं, आप अपना जो भी टिकट लेनी है आपको जोन्स के अकॉर्डिंग वो आप ले सकते हो, और अपनी पैसे पे कर सकते हो कार्ड से या फिर कैश, जैसे भी आप करना चाहते हो। तो
गाइस दिस इज हाउ ऑक्सफर्ड लुक्स लाइक. ये था सिटी सेंटर जो मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे है ट्राम स्टेशन, यूनिक प्लॉट्स एंड अदर क्लोथिंग स्टोर्स और अदर टाइप्स ऑफ स्टोर्स, सुपरमार्केट्स एंड ऑल, जहाँ से आपको कहीं के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी. और राठहाउस जो कि सिटी सेंटर में होता है हर सिटी के अंदर जर्मनी में. और आने वाली वीडियोज में मैं आपको बताऊंगा बाकी की लाइफ स्टाइल्स, हाउ स्टूडेंट मैनेज हियर, हाउ दे फाइंड पार्ट टाइम जॉब्स, हाउ दे मैनेज स्टडी एंड पार्ट टाइम जॉब्स टूगेदर एंड ऑल. एंड बाकी अभी तो काफ़ी सारी वीडियोज आनी है, ये तो अभी सिर्फ शुरुआत है. तो अगर आपको वीडियो बहुत पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर आपका मन करे तो कीजिए, वैसे तो आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा टू या. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर. या सो